हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद गिरजा। आज मैं आप लोगों के लिए सैंडविच की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है पनीर को। अब देख सकते हैं इधर। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पालक, यहाँ पर मैंने थोड़ा कैरेट जो है उसे भी ग्रेट करके रखा है, बिल्कुल बारीक हमने इसे ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे, जिसे मैंने बारीक काटा हुआ है। इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़े से मिक्स हर्ब, क्योंकि बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद होता है, इसलिए ग्रीन चिली मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, दैट्स इट। अब इसमें डालेंगे वेज मेयोनीज। मेयोनीज हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। सॉल्ट मैं बिल्कुल थोड़ा ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, इसे हम एक साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिसके एजेस मैंने निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। हमने ब्रेड के स्लाइसेस को काट लिया है, आप किसी भी आकार में काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने त्रिकोणा काटा है, इसके ऊपर मैं अब बटर स्प्रेड करने वाली हूँ। बटर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बटर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। पनीर पालक कैरेट का मिश्रण जो रेडी किया था उसको हम रख देंगे, अच्छी मात्रा में रखिए। यहाँ पर हमने इसे रेडी कर लिया है, इसके ऊपर दूसरा स्लाइस हम रख देंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आपने देखा सैंडविच की रेसिपी, इसे आप बच्चों के टिफिन में भेज सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।